नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज के प्रमुख समाचार। कूड़ेदान में मिली शहीदों के खून से सनी वर्दियां। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों की वर्दियां कूड़ेदान में मिलने की खबर के बाद गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये वर्दियां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक अस्पताल के पास कूड़ेदान के ढेर से मिली थी। इसके बाद यह माना जा रहा है कि ये वर्दियां सीआरपीएफ के शहीद जवानों की हैं। सीआरपीएफ के कार्यवाहक प्रमुख आरसी तायल ने बताया कि इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आशंका जाहिर की कि कुछ राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने ये चीजें रायपुर के अस्पताल के कुछ कर्मचारियों से ली होंगी। प्रधानमंत्री ने संसद में कहा, मंत्री ने माफी मांग ली है, अब सदन चलने दें। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के विवादास्पद बयान को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सदस्यों से अपील की कि सदन के कामकाज को चलने दें, क्योंकि मंत्री पहले ही माफी मांग चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में यह संदेश मिलता है कि हमें मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहिए और देश हित को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे एक नई मंत्री हैं और उन्होंने इस मामले में क्षमा मांग ली है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि आप इतने वरिष्ठ हैं, आपको क्षमा भाव रखना चाहिए। ज्योतिष और विज्ञान ने बढ़ाई मोदी की मुश्किलें। साध्वी निरंजन के विवादास्पद बयान के बाद भाजपा सांसद एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संसद में कहा कि ज्योतिष दुनिया के सभी विज्ञानों से श्रेष्ठ है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मोदी जी ने जब भगवान गणेश के सिर को सर्जरी बताया तो लोगों ने इस पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि सिर को पुनर्स्थापित करने का विज्ञान सिर्फ भारत में ही पाया गया है। विपक्ष एवं दूसरी पार्टियां पोखरियाल के बयान की निंदा कर रही हैं, वहीं पोखरियाल का मानना है कि इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए ताकि ज्योतिष को उचित सम्मान मिल सके। दिग्गजों को नहीं मिली विश्व कप की संभावित टीम में जगह। राष्ट्रीय चयन समिति ने आज मुंबई में क्रिकेट विश्व कप 2015 के लिए भारतीय टीम के चयन के लिए 30 संभावित खिलाड़ी चुने। हैरानी की बात है कि संभावित खिलाड़ियों में वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, जहीर खान और युवराज सिंह जैसे सीनियर खिलाड़ियों का नाम नहीं है। उल्लेखनीय है कि युवराज सिंह पिछले विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज थे और उन्होंने भारत की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी।